अरे बच्चों, आज हम 11वीं लेखा शास्त्र में स्थायी किस्त पद्धति से मूल्यह्रास कैसे निकाला जाता है पढ़ेंगे। एक सवाल है कि राम ने एक मशीन 2017 एक अप्रैल को 5 लाख रुपए में खरीदी, जिस पर 10% वार्षिक दर से मूल्यह्रास लगाया जाता है। मूल्यह्रास स्थायी किस्त पद्धति से लगाना है। आपको प्रथम 4 वर्षों के लिए मूल्यह्रास खाता बनाना है। तो सर्वप्रथम हम मशीन अकाउंट बनाएंगे। इस मशीनरी अकाउंट में ये डेट का कॉलम है, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी टू 2017 अप्रैल एक टू बैंक। हमने मशीनरी परचेज की कितने में करी? 5 लाख रुपए। अब उस पर जो मूल्यह्रास है वो 10% वार्षिक दर से लगाना है, 10%। तो मूल्यह्रास वर्ष के अंत में लगाया जाता है। जो 2017 को साल शुरू हो रहा है वो 2018 आप मार्च 31 आएगा। बाई डैप एट द रेट 10%, 10% 5 लाख का 50,000 आएगा। ये 50,000 तो आपका मूल्यह्रास आ गया है। और वर्ष खत्म होते ही हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। इस 5 लाख में से 50,000 को जब हम लेस करेंगे तो यहां 4,50,000 की मशीन हमारी शेष रह गई है। यानी कि जैसे ही 2018 मार्च आया तो हमारी मशीन का जो बैलेंस सीडी है वो 4.5 लाख रुपए रह गया। यही सीडी अगले वर्ष 2018 अप्रैल 1 के दिन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,50,000। लेकिन मैंने अभी आपको कहा था कि हम स्थाई किस्त पद्धति से मूल्यह्रास लगा रहे हैं। तो स्थाई किस्त पद्धति में एक बार जब मूल्यह्रास निकाल दिया तो वह फिक्स हो जाता है, स्थाई हो जाता है। वो वापस 50,000 ही रहेगा। अगले साल भी मूल्यह्रास कितना रहेगा? 50,000। ये बाई डैप एट दी रेट 10%। ये 2019 के मार्च 31 की बात है। अब हम 2019 में वापस जब शेष निकालेंगे तो हमारी मशीनरी 2019 के मार्च 31 के दिन 50,000 रुपए का मूल्यह्रास काटने के बाद 4 लाख रुपए की रह जाएगी। और ये टोटल वापस 4.5 लाख है। ये बाई बैलेंस सीडी। अब 2019 का जो दूसरे साल का शेष है वही तीसरे वर्ष के प्रारंभ में 2019 अप्रैल 1 के दिन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख। अब 2019 में हम वापस डैप लगाएंगे। 2019 में ये आपका बैलेंस आया, 2020 हो गया, मार्च 31 है, मार्च 31 के दिन बाई डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। हमारा डैप वो फर्स्ट वाली मशीन पे ही लगता रहेगा जो कि फिक्स होने से 50,000 आएगा। अब जब हम 2020 के मार्च 31 के दिन बैलेंस निकालते हैं, ये हमारा तीसरा साल है, हमें एक साल और निकालना पड़ेगा। टोटल थे 4 लाख, इधर भी 4 लाख। इस 4 लाख में से
₹50,000 का हमारा डेब लगा, यानी कि हमारी मशीन की वैल्यू 3.5 लाख रह गई है, वो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी 3.5 लाख। ये March 31, 2020 के दिन हमारी मशीन की वैल्यू थी। अब हम चौथे वर्ष में आ गए हैं, क्योंकि सवाल कह रहा था कि हमें प्रथम 4 वर्षों के लिए मशीनरी खाता बनाना है। अब 2020 का अप्रैल 1st है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा बैलेंस आया है 3,50,000 का। अब वापस हम 2021 मार्च 31 के दिन डैब लगाएंगे, हमारा डैब होगा पाई डैब एट द रेट 10%, ये डैब आएगा ₹50,000। चौथे साल का डैब भी 50,000 आया है। अब हम इस 3.5 लाख में से जब डैब के 50,000 घटाएंगे तो हमारा जो बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस सीडी मशीन का मूल्य ₹3 लाख रह जाएगा। ये यहाँ पे भी 3.5 आ गए, और इस 3.5 लाख में से जब 50,000 का डेब जाएगा तो बचा हुआ 3 लाख रह जाएगा। अब यहां देखिए, इस विधि को स्थाई किस्त पद्धति क्यों कहते हैं, कि हमारा प्रथम वर्ष में जो डेब था वो 50,000 था, अगले साल भी जो मूल्यह्रास है वो 50,000 है, तीसरे साल पे भी कितना है 50,000 है, और चौथे साल में भी कितना है 50,000, वो फिक्स है, इसलिए इसको स्थाई किस्त पद्धति कहते हैं। इसे सरल रेखा पद्धति भी कहा जाता है। इसको सरल रेखा पद्धति क्यों कहते हैं, देखिए सरल रेखा पद्धति कहने का एक इसका एक रीजन है। हम एक ग्राफ पेपर पे जब इसको शो करते हैं कि ये मूल्यह्रास है 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 और ये 50,000, और ये है इधर वर्ष, वर्ष में ये 2017, 2018, 2019, 17-18, 18-19, 19-20 और ये लास्ट है 2020-21। अब इसमें प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास 17 में भी 50,000 है, 18 में भी 50,000 है, 19 में भी 50,000 है, और ये 20 में भी 50,000 है। अगर इसको हम एक लाइन खींचे तो सीधी सरल रेखा बनती है, इसलिए इसे सरल रेखा पद्धति भी कहा जाता है। ये प्रथम विधि है। धन्यवाद।